जैसे कि आप जानते हैं कि कल शाम को देयर वाज अ मर्डर इन बहु प्लाजा एरिया. बेसिकली वी गॉट एन इंफॉर्मेशन फ्रॉम आवर रिलायबल सोर्सेज के बहु प्लाजा एरिया में किसी लड़की को स्टैब कर दिया गया है. सो इमीडिएटली उसमें जो पुलिस पार्टी है दे रश द स्पॉट, दे सॉ द बॉडी. जो लड़की थी उसका नाम पहले तो आइडेंटिफाई नहीं हुआ, लेटर ऑन इट वाज आइडेंटिफाइड एट शीतल, वाइफ ऑफ विजय, आर ओ प्रीत नगर, जम्मू. तो इमीडिएटली द इन्वेस्टिगेशन वाज स्टार्टेड एसएचओ की तरफ से. एंड उसमें फिर जो हमारे एसडीपीओ और एसपी साहब हैं ये भी मौके पे पहुंच गए. कुछ चीज़ें एनालाइज की गई, मौके को अच्छे से एनालाइज किया गया, स्टैबिंग का कारण कुछ टेक्निकल डाटा एनालाइज किया गया, उसके बेसिस पे दो तीन सस्पेक्ट्स जो थे वो जीरो इन किए गए. तो उसमें फिर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन जो प्राइम सस्पेक्ट हमें लगा वो इस लड़की का हस्बैंड लगा, जिसका नाम विजय गिल है, सन ऑफ जसवंत गिल, आर ओ प्रीत नगर. तो आफ्टर दैट ही वाज एप्रीहेंडेड. ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग उसने एडमिट किया कि ही हैज़ किल्ड हिज वाइफ फॉर रीजन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ लॉयल्टी टुवर्ड्स हिम. उसको उनके व्यवहार पे शक था, जिसकी जो प्राइम एक वजह बनी है अपनी वाइफ को मर्डर करने की. फिर उसके बाद जिस हथियार से उस लेडी का मर्डर हुआ वो भी रिकवर हो गया है, जो उसकी प्रेजेंस वहाँ पे वो भी प्रूव हो गई है, और जो कपड़े थे और जो जहाँ पे उसका लेडी का ब्लड था वो सारे भी हमने रिकवर कर लिए हैं. एनी क्वेश्चन? देखिए इटे, मैं आपको जब आप क्राइम की प्रिवेंशन की बात करते हैं, बड़े सारे क्राइम ऐसे होते हैं जो रूटीन में पुलिस प्रिवेंट करती है, दीज थिंग्स, वो ऐसे क्राइम हम हाईलाइट नहीं करते हैं और वो करने भी अनलेस बिकॉज पर्सन इज इन द प्रोसेस ऑफ कमिटिंग क्राइम. जो क्राइम हो रहा है आप देखें उसकी डिटेक्शन, जो भी मेजर क्राइम अभी हुए हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम जम्मू कश्मीर पुलिस जो है आप टू मेंटेन पीस, टू मेंटेन द ऑर्डर इन द सोसाइटी इन द सिटी वी आर वर्किंग. तीन या चार पिछले जो आपके मेजर क्राइम है, चाहे वो ग्रेनेड ब्लास्ट का था, वेरी सक्सेसफुली सॉल्व. मेरी आप लोगों से सिर्फ एक गुजारिश है, बिफोर यू जंप एनी कंक्लूजन, जैसे कल जैसे ही मर्डर हुआ दो तीन घंटे के अंदर अंदर लॉट ऑफ टॉक्स के द क्राइम का स्तर बढ़ रहा है, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों हुआ. ये फैमिली का इशू था, ही इज नॉट ए प्रोफेशनल क्रिमिनल, ही हैज नो बैकग्राउंड. इफ समवन हैज सम इशू विद अ पर्टिकुलर पर्सन जिसका कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, तो उसको आप एक ऑर्गेनाइज क्राइम के साथ लिंक करके हम ना देखें तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा. और दूसरा, इसमें हमारी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यू आर आवर विजिलेंट सिटीजन्स, मोस्ट विजिलेंट, जो सारा देखते हैं सारा समझते हैं. वहाँ पे मेरी आप लोगों से गुजारिश है, अनलेस अंटिल वी ज्वाइन हैंड्स, जब तक हम एक दूसरे के साथ हाथ मिला के खड़े नहीं होंगे तब तक ये जो परेशानी है, ये जो क्राइम का स्तर आप जिसकी बात कर रहे हैं वो काबू नहीं होगा. सो वी हैव टू, इन ऑर्डर टू एंश्योर द प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, वी हैव टू ज्वाइन हैंड्स, वी हैव टू स्टैंड टुगेदर. सिर्फ एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि बिफोर जंपिंग टू एनी कंक्लूजन, यू रीच अ सीन ऑफ क्राइम, यू सी इट, हमें थोड़ा टाइम दें, वी विल गिव यू अ प्रेस रिलीज, देन यू हैव अ राइट टू आस्क अस कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है. कल जिस तरीके से चीजें हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेटर ऑन जो उसका एंगल निकला दैट इज टोटली डिफरेंट, कोनोटेशन चेंज हो जाती है. एक तरफ 5-10 मिनट पहले पीपल आर सेइंग थिंग्स कि ये गलत हो रहा है, ऐसा है, क्राइम बढ़ रहा है. द मोमेंट वी से कि दिस इज द रियलिटी, इमीडिएटली पीपल स्टार्ट अप्रिशिएटिंग पुलिस, कि पुलिस ने बड़ी अच्छी कार्रवाई की, दो घंटे में तीन घंटे में क्रिमिनल को पकड़ लिया, पुलिस की वाहवाही होती है. सो मेरे रिक्वेस्ट सिर्फ ये है कि प्रिवेंशन ऑफ क्राइम में सोसाइटी और पुलिस इंक्लूडिंग मीडिया, जब तक हम मिलकर काम नहीं करेंगे इट विल बी डिफिकल्ट. बट इन डिटेक्शन ऑफ क्राइम पुलिस इज डूइंग लॉट ऑफ गुड जॉब्स एंड रिजल्ट्स आपके सामने हैं. ये भी क्राइम अगर आप देखेंगे इट हैज बीन सॉल्व, बाकी वाले पास वाले भी जो हैं उनमें भी कार्रवाइयां हुई हैं, वी हैव आइडेंटिफाइड पीपल. बेसिकली इसमें जो लीड्स मिली थी, जिस तरीके से एनालिसिस शुरू हुआ, अब वी कांट गिव यू द डिटेल्स, हुई हाउ वी गॉट दोज डिटेल्स. द ओनली पर्सन हु वाज जीरोड इन, देयर आर 2-3 पीपल जिनका हमें आया था, बट फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दैट टाइम एसएचओ की थी कि घर वालों को इन्फॉर्म करें. बट द वे ही बिहेव, जैसे ही उसको फोन किया, द वे ही इज बॉडी लैंग्वेज वाज, उसके साथ बात हुई, तो उससे एसएचओ को शक हुआ कि सर देयर इज समथिंग एबनॉर्मल अबाउट हिम. देन वी वर ट्रेसिंग हिम वेयर ही इज ऑल गोइंग, हाउ ही इज गोइंग, एंड लेटर ऑन वी गॉट हिम. What were they doing there? Was she taken to that site?
was she taken to that particular site to be stabbed? He, we feel जब तक अभी तक जो interrogation हुई है उसके हिसाब से he was basically following her और shadowing her. तो जहाँ पे उसको मौका मिला he stabbed her. मैं जहाँ पे भी ऐसे ऐसे incidents होते हैं जब when we talk about women safety उसमें भी चाहे society as a whole है उसको we have to be responsible. जहाँ पे भी किसी लड़की के साथ कोई इफ समथिंग कम्स के कहीं पे ईव टीजिंग हो रही है या कहीं पे कोई तंग कर रहा है देयर हमारे पास रूटीन में स्टॉकिंग के केसेस आते हैं बड़े सारे केसेस मैंने पर्सनली अटेंड किए हैं जहाँ पे कोई लड़की को तंग करने वाला उसको बुला के बाउंड डाउन भी किया गया है कुछ केसेस में कार्रवाई भी की गई है पर्चे भी लगाए गए हैं अगर किसी को किडनैप भी किया जाता है लड़की को उसमें भी इमीडिएटली खासकर यंग एज की हो तो वो रिकवर भी हमने कर करके दी है हमारी सिर्फ आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है अगर कोई दिक्कत आती है हमारा डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू का फेसबुक पेज है उसके इनबॉक्स में एक मैसेज छोड़ें कि मैं इस स्कूल में इस कॉलेज में हूँ यहाँ पे ये लड़के इस तरीके से आते हैं जो हमें तंग करते हैं देन वी विल डेफिनेटली स्विंग इनटू एक्शन आप उसमें भी कार्रवाई देखेंगे लेकिन अगेन मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा यू ऑल हैव आवर नंबर यू ऑल हैव एक्सेस टू अस तो आप हमें बताएं जहाँ जहाँ पे भी आपको कहीं पे विजिबल क्राइम नजर आता है वी विल टेक एक्शन ऑन दैट वो कंक्लूड होने वाला है केस वी आर जस्ट few days we will चलान दैट केस सारा मेडिकल सारे सबूत इकट्ठे कर लिए गए हैं और उसके बाद जो लड़की है उसका भी मेडिकल हो गया है आफ्टर दैट उनको लिंक करने के लिए कुछ रिपोर्ट्स हैं जो FSL भेजी गई हैं जैसे ही उन FSL रिपोर्ट्स का रिजल्ट हमारे पास आएगा द केस विल बी चलान इन कोर्ट जिस तरीके से आप देख रहे हैं हमने स्पेशल नंबर भी शुरू किया है इस साल में अगर आप कार्रवाइयों की बात करेंगे ऑन एन एवरेज डेली बेसिस पे हमारा एक FIR जम्मू में रजिस्टर हो रहा है विच इज़ नॉट ऑल्सो ए वेरी गुड साइन बिकॉज ड्रग्स की अवेलेबिलिटी जो है उसको हम कर्टेल करने की कोशिश कर रहे हैं तो हमारी रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि जहाँ पे भी आपको भी कोई ऐसी चीज़ विजिबल नज़र आए हमारा नंबर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें लोगों में वो नंबर पहुँचाएँ हमें उस पर बड़े सारी लोगों की कॉपरेशन मिल रही है जिसके बेसिस पे दो या तीन हमें कामयाबी भी मिली है वी आर थैंकफुल टू दोज पीपल वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग देयर नेम बट इसको बड़े मैसिव लेवल पे लेके जाने की जरूरत है नॉट ओनली इन प्रिवेंशन बट वी आर डूइंग अरेस्टिंग द ड्रग पेडलर्स अरेस्टिंग द किंग पिंस बट अवेयरनेस लेवल के ऊपर भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना है उसमें भी मीडिया का बहुत अहम रोल है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को अवेयर करवाने में हमारा साथ दे थैंक यू सॉल्व हुए अभी कल भी हमने चार बाइक्स जो है रिकवर की है चेन स्नैचिंग की ऑन एन एवरेज जो आपके इंसिडेंट्स हैं उसको रोकने के लिए अभी हमारी जो फ्लाइंग स्क्वाड्स हैं आप इवनिंग में देखेंगे उनकी पेट्रोलिंग गश्त बढ़ा दी गई है इवन बिफोर आफ्टर एडिशन टू दैट जो हमारे SHO साहबान है और ऑफिसर साहबान है चेन स्नैचिंग का जो हमें ऑन एन एवरेज ट्रेंड मिला है मेजोरिटी दे आर इन द आफ्टरनून 2:30 to 4:30 के बीच या फिर इवनिंग 7 to 9 के बीच तो उस टाइम हमारी मुस्तैदी और पुलिस की जो प्रेजेंस है और पुलिस की जो पेट्रोल है गश्त है उसको बढ़ाया गया है तो वी आर होपफुल इसको हम डिस्करेज करने में कामयाब रहे जी